आने वाली 25 जून 2023 को मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, जिसमें हमारे मेहमान आने वाले हैं। और इसी अवसर पर जो है गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन रखा गया था, जिसमें उपस्थित रहने की अनुमति मैंने प्रशासन से मांगी थी। पहली बारी मना करने के बाद दोबारा मैंने उस पर अनुमति मांगी थी कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और इसमें तथागत बुद्ध की अस्थियाँ आ रही हैं, जिनसे मेरी धार्मिक भावनाएँ जुड़ी हैं और सर्वधर्म प्रार्थना होने वाली है। तो एक सर्वधर्म की भावना की प्रार्थना को भी जब स्वीकार नहीं किया गया और दोबारा कल 22 जून को जो है अनुमति नहीं प्रदान की गई अपने ही स्वयं के मकान के उद्घाटन की किसी भी तरह के आयोजन में उपस्थित रहने की, तो जिससे मेरी धार्मिक भावनाएं और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और मुझे ये महसूस होता है कि जब मैं अपने ही अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती तो उस कुर्सी में बैठने का मेरा कोई हक नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आज भी मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल से इस तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं है और ना ही कन्फर्मेशन है। तो ये जो मेरा रेजिग्नेशन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मेरा मकान का उद्घाटन था, धार्मिक आयोजन है, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आ रही हैं, जिन भगवान बुद्ध के कारण हम विश्व में जाने जाते हैं उनकी अस्थियाँ हमारे बीच में आ रही है। और इस तरह का व्यवहार जो किया जा रहा है हमारे समाज के साथ में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बस विचार किया जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा।